महाराष्ट्र में जल्द होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले सभी सियासी दल नए मुद्दे तलाश कर अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मनसे प्रमुख राज ठाकरे खुद की आक्रामक हिंदुत्ववादी नेता की छवि बनाने में लगे हुए हैं। राज ठाकरे मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। थाने में आयोजित एक रैली के दौरान मनसे प्रमुख ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर 3 मई तक बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो हम लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये एक सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक नहीं। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है कीजिए। ठाकरे ने आगे कहा कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूँ, आप अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउडस्पीकर को हटाने का फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों पर छापा मारने की अपील भी की और कहा कि वहां रहने वाले लोग पाकिस्तान समर्थक हैं। राज ठाकरे का ये उग्र हिंदुत्व का तेवर बीजेपी को काफी भा रहा है, क्योंकि बीजेपी नेता पहले से ही मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठा रहे थे। इसके अलावा मदरसों में छापा मारने की बात भी राज ठाकरे ने उठाई, जिस पर बीजेपी भी मुखर हो रही है। हर राज्य में ध्वनि प्रदूषण को लेकर के कानून बने हुए हैं और उस ध्वनि प्रदूषण के कानून को, नॉइस पोल्यूशन के कानून को सभी को मानना चाहिए। उसमें किसी तरह के धर्म, जाति, कल्चरल प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ों को पे जो है वो छूट नहीं हो सकती। नॉइस पोल्यूशन सभी के लिए नुकसानदेह है। हाँ, अगर किसी भी दायरे में रह के नॉइस पोल्यूशन की जो एक नियम है, अगर नियम के तहत कहीं भी साउंड लाउडस्पीकर का होता है तो उसमें कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर कहीं उसकी जाति होती है, किसी भी धर्म के लोग या किसी भी जाति के लोग या कहीं पर भी किसी समुदाय के लोग भी, कोई भी अगर उसको उसका कानून का उल्लंघन करता है और नॉइस के कानून को पालन नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए। राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पलटवार किया। राउत ने कहा कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व न सिखाए। राउत ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो लाउडस्पीकर बज रहा है आजकल, ये बीजेपी का ही भोपू है। ये सबको पता है, ईडी की कार्रवाई से अभय मिले, इसलिए ये आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। राउत ने कहा कि बीजेपी जब खुद सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउडस्पीकर को आगे कर दिया। ईडी की कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे का भोंपू शुरू हो गया। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई चिकाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगो रगो में बहता है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज ठाकरे की धमकी को गंभीरता से लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पवार ने कहा कि देश में अभी महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता। जब शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया। इस बीच मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे पर एफआईआर दर्ज की है। ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि थाने में आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ तलवार लहराई थी। दरअसल राज ठाकरे अपनी छवि अब हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर मजबूत करने के कवायद में है, ताकि महाराष्ट्र में शिवसेना के पारंपरिक हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा सके, जो कांग्रेस एनसीपी के चलते फिलहाल नाराज माने जाते हैं। एक ऐसा समय भी था जब राज ठाकरे की कट्टर मराठी छवि के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनसे दूरियां बनाई थी, लेकिन अब वो बीजेपी को पसंद आ रही हैं और विपक्षी दल राज ठाकरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के कई नेता राज ठाकरे के घर भोजन करने पहुंचे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मुंबई में राज ठाकरे के घर जाकर मुलाकात की थी। गडकरी ने इस बैठक के पीछे कुछ भी राजनीतिक होने से इनकार करते हुए भले ही इसे एक पारिवारिक बैठक बताया हो, लेकिन सियासी गलियारों में बीजेपी के साथ राज ठाकरे की बनती सियासी केमिस्ट्री की चर्चा बहुत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट।